नमस्कार, सामाजिक मानव शास्त्र के प्रश्न पत्र में आज मैं डॉक्टर लतिका एम पांडे आपको जनजातीय समाज में जादू के संदर्भ में क्या अवधारणाएं प्रचलित हैं उनकी बातचीत हम यहाँ पर करेंगे। जादू और धर्म हम देखें तो दो ऐसे तरीके हैं जो किसी भी समाज में संकट को समाप्त करने के लिए कार्य में दिए जाते हैं। जादू के अंतर्गत देखें तो टोना टोटका, भूत प्रेत, टोटम आदि सारी चीज़ें जो हैं वह यहाँ पर सम्मिलित देखी जा सकती हैं। मानव ने जब अति मानवीय, अलौकिक एवं काल्पनिक अदृश्य शक्ति पर विजय प्राप्त करने के लिए दो आधारों का सहारा लिया, जब वह इस अति मानवीय, अति इंद्रिय, अलौकिक शक्ति के सामने झुककर उसकी पूजा अर्चना करने लगा और अपनी आवश्यकता की पूर्ति की बात या पूर्ति की कामना उससे करने लगा, तो यहाँ से हम मानते हैं कि धर्म की उत्पत्ति हुई। जबकि वह इस शक्ति को जब अपने वश में करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसे आदेश देने लगा, तो हम कहते हैं वह जादू है। अर्थात जब पूजा अर्चना कर रहा है तो वह धर्म है, और जब उसको वश में करके शक्ति को अपने और आदेश दे करके उसे कार्य करा रहा है तो हम कहते हैं वह जादू है। अगर समाज की हम बात करें तो हम देखते हैं जादू और धर्म दोनों ही अनुकूलन के उपकरण है, सामंजस्य परिस्थितियों के साथ स्थापित करने का एक तरीका है। इनका कार्य जो है वह कठिन परिस्थितियों में मनुष्य की सहायता कर उसे तनाव से बचाना है, और ऐसा माना जाता है कि दोनों ही व्यवस्थाएं आदिम समाज में साथ साथ प्रचलित रही होंगी। परंतु जब अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो मानव शास्त्री हैं उनका मानना है कि नहीं, धर्म से भी ज़्यादा प्राचीन जादू की प्रथा है, या जादू में विश्वास जो है वह धर्म से भी अधिक पुरानी स्थिति या प्राचीन स्थिति कही जा सकती है। जादू के संदर्भ में सर्वप्रथम जो कार्य किया वह एडवर्ड टेलर ने किया, और फिर आगे इसको बढ़ाने का काम विस्तृत रूप से वह किया सर जेम्स फ्रेजर ने। जादू की हम परिभाषाओं की बात करें तो हम कहते हैं सबसे पहले जैकब और सटर्न की बात। जादू एक विशेष प्रकार का व्यवहार है जो अनिवार्य रूप से धार्मिक नहीं है, लेकिन इस बात में विश्वास रखता है कि अलौकिक शक्ति का कोई ना कोई स्वरूप अवश्य है। यदि मनुष्य देवी देवता में विश्वास रखते हैं तो यह देवी देवता भी मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर देते हैं। अर्थात अगर जेकब सटन के हम देखें तो वह धार्मिक व्यवस्था में विश्वास को स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन इस बात को अवश्य स्वीकार कर रहे हैं कि कोई ना कोई एक अलौकिक अदृश्य शक्ति है जिसके माध्यम से व्यक्ति के कार्य सिद्ध होते हैं। जेम्स फ्रेजर ने डिफाइन किया है जादू को, तो जादू मनुष्यों के विश्वासों व व्यवहारों का वह संग्रह है जिन पर किसी प्रकार की आलोचना व पुनः परीक्षण नहीं हो सकता है। अर्थात जादू जो है वह व्यक्ति के विश्वास के साथ में जुड़ा हुआ है, उसके क्रियाकलाप, उसके व्यवहारों के साथ में जुड़ा हुआ है, और आप उसकी आलोचना नहीं कर सकते, और ऐसा करने से ऐसा कार्य होगा यह पुनः परीक्षण भी आप नहीं कर सकते हैं। जेम्स फ्रेजर जादू को आभासी विज्ञान और आभासी कला मानते हैं। अर्थात कुछ हद तक यह विज्ञान है और कुछ हद तक यह कला के साथ में जुड़ा हुआ है कि काम करने वाला व्यक्ति जो है, जो जादू कर रहा है, उसकी कला के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ में चीज़ें यहाँ पर जुड़ी हुई होती हैं। श्यामाचरण दुबे के अनुसार देखें, जादू वह अति इंद्रिय शक्ति है
जिससे अति मानवीय जगत व उसकी कतिपय शक्तियों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सके और जिसकी क्रियाओं को मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग में लाया सके। ठीक है, तो अति इंद्रिय शक्ति है, अति मानवीय शक्ति अर्थात एक मानव विशेष में नहीं है, यह एक अति मानवीय शक्ति है जो किसी मानव विशेष में नहीं वरन इस जगत के अंतर्गत विद्यमान है और उसके पास कुछ शक्तियां हैं जिसके ऊपर मानव अपना नियंत्रण जादुई क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करता है और जब नियंत्रण वह उस पर स्थापित कर लेता है तो फिर अपनी इच्छाओं के अनुसार उससे कार्य कराने का आदेश देता है। मेलिनोवास्की प्रसिद्ध मानव शास्त्री रहे, उन्होंने कहा है जादू विशुद्ध व्यवहारिक क्रियाओं का योग है जिन्हें उद्देश्यों की पूर्ति के साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कुछ क्रियाएं हैं उनका योग बोला है और इन क्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जादू को परिभाषित करती हैं। नेक्स्ट हम देखें जादुई क्रियाओं के तत्व। सबसे पहले देखें श्यामाचरण दुबे के अनुसार, उन्होंने तीन चीज़ों को यहाँ पर जोड़ा है। कतिपय शब्द अर्थात जो जादू करने वाला व्यक्ति है वह कुछ शब्दों को उच्चारित करता है, ये शब्द उसके मंत्रों के माध्यम से जो है वह उच्चारित होते हैं और उन्हीं मंत्रों के माध्यम से जो कि उसने अपनी साधना के माध्यम से अभिमंत्रित किए हैं उन अभिमंत्रित जो शब्द हैं उनके माध्यम से वह कार्य करता है। विशिष्ट क्रियाएं, जब वह शब्दों का उच्चारण कर रहा है, अभिमंत्रित मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, तब उसकी जो क्रियाएं हैं वह भी दिखाई देती हैं। अर्थात अगर वह किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा है तो उसके चेहरे के जो हाव भाव हैं वह हम देखें तो उसी प्रकार से हमको दिखाई देंगे और वह उनको करने के साथ कुछ ना कुछ कार्य वहाँ पर करता रहेगा। शब्दों के साथ में जो क्रियाएं हैं वह क्रियाएं वहाँ पर चलती रहेंगी। तीसरी बात हम कह रहे हैं जादूकर्ता की विशेष स्थिति, अर्थात जादू जो करने वाला व्यक्ति है वह हर कोई नहीं कर सकता। समूह में, समुदाय में या समाज के अंतर्गत कुछ विशिष्ट व्यक्ति ही हैं जो इस जादुई कार्य को कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने ही साधना के माध्यम से उनको आत्मसात किया हुआ है, सिद्धि प्राप्त की है, तो हम कहते हैं कि कुछ ही लोग उसको कर सकते हैं। तो जो लोग कर सकते हैं उनकी उस समाज के अंतर्गत एक विशेष परिस्थिति देखी जाती है। मेलिनोवास्की किन किन चीज़ों को इस जादुई क्रियाओं के तत्वों में सम्मिलित करते हैं, तो हम कहते हैं शब्द या अभिमंत्रित जो तत्व है उनको वह देखते हैं, उसके साथ कुछ भौतिक वस्तुओं को भी वह यहाँ पर देखते हैं। अर्थात जब जादू कराया जा रहा है तो आप वहाँ पर कुछ भौतिक वस्तुओं को वहाँ पर देखेंगे जिनकी उपस्थिति अनिवार्य है। कुछ जादू हैं तो वहाँ पर आपको खोपड़ी मिलेगी या हड्डियाँ मिलेंगी, राख मिलेंगी, तो अलग अलग चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर हम देख सकते हैं। तो कि कुछ भौतिक वस्तुएं ऐसी हैं जिनके माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि यह व्यक्ति जादुई क्रिया करता है। उसके बाद विशेष क्रियाएं, वो जिस भी उद्देश्य को लेकर के जादू किया जा रहा है उस जादू से संबंधित वह विशिष्ट क्रियाओं को क्रमबद्धता और नियमबद्धता के साथ में प्रस्तुत करता है। हाव भाव और संवेग, जब व्यक्ति कार्य कर रहा है, जादू कर रहा है, तो उसके चेहरे के ऊपर भी उसी प्रकार के हाव भाव देखने को मिलेंगे और उसी प्रकार के संवेग, जो बोल रहा है उसके अंतर्गत भी हम उसके संवेगों को देख सकते हैं। अगर वह किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहा है, मारने की बात कर रहा है, तो उसके चेहरे के हाव भाव और उसकी भाषा जो होगी वह
उस प्रकार की होगी। भाषा के अंतर्गत आपको गुस्सा दिखाई देगा, बोलेगा तो उसकी भाषा के अंतर्गत गुस्सा है, चेहरे के ऊपर गुस्सा दिखाई देगा, आंखें लाल दिखाई देंगी। लेकिन अगर वह किसी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कर रहा है तो फिर उसके हाव भाव अलग तरीके के आपको दिखाई देंगे। उसके बाद हम देखें जादू के भेद। श्यामाचरण दुबे ने जादुई क्रियाओं के आधार पर तीन प्रकार के जादू की बात की है। पहला है संवर्धक जादू। संवर्धक जादू वह जादू है जो कि लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति या समूह अथवा समुदाय के द्वारा कराया जाता है। किसी भी प्रकार का, सामान्यतः जब आदिम समाज के लोग जंगलों में कंदमूल फल एकत्र करने जाते थे या शिकार के लिए जाते थे तो वह इस प्रकार के जादुई क्रियाओं को करने के पश्चात जाते थे ताकि उन्हें वहाँ पर सफलता प्राप्त हो सके। तो हम कहते हैं वाणिज्यिक लाभ के लिए या अपने को किसी प्रकार का लाभ पहुँचाने के लिए इस प्रकार की जादुई क्रियाएं की जाती थी। दूसरा है संरक्षक जादू। संरक्षक अर्थात रक्षा के लिए, दूसरों से अपनी सुरक्षा और बचाव के लिए जो जादू किया जा रहा है सामूहिक स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर पर, तो हम उसको संरक्षक जादू कहते हैं। विनाशक जादू नाम से स्पष्ट है, जब किसी दूसरे व्यक्ति को अथवा समूह को नुकसान पहुंचाने के लिए जादू किया जाता है तो हम उसको विनाशक या डिस्ट्रक्टिव मैजिक कहते हैं। मेलिनोवास्की की बात करें तो मेलिनोवास्की दो प्रकार के भेद जो है वो जादू के बताते हैं, एक सफ़ेद जादू है और एक काला जादू है। सफ़ेद जादू जो व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता, यह जनकल्याण के साथ में जुड़ा हुआ है, परोपकारिता के साथ जुड़ा हुआ है, जादुई चमत्कार के साथ में जुड़ा हुआ है, जीवन की अनिश्चितता और खतरों से व्यक्ति को बचाने के साथ हमें जुड़ा हुआ है, तो उसको हम कहते हैं सफ़ेद जादू। जबकि दूसरा है काला जादू, नाम से ही स्पष्ट है सफ़ेद और काला। तो काला जादू जो दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचा रहा है, जिसे सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं है, जिसके माध्यम से व्यक्ति दूसरे को जन धन की हानि या नुकसान पहुंचा रहा है, टोना टोटका या भूत प्रेत जो है वह इसके साथ हमें जुड़ा हुआ कहा जाता है। सर जेम्स फ्रेजर ने जादू के दो भेद बताए हैं, एक अनुकरणात्मक जादू है और एक संसार्गिक जादू है। अनुकरणात्मक जो जादू है वो समानता के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात समान कारण से समान कार्य परिणाम उत्पन्न होते हैं। अर्थात जब एक ही प्रकार की क्रिया को किया जाता है तो परिणाम भी उसी प्रकार के आते हैं। जैसे जनजातियों के अंतर्गत ये मान्यता है कि अगर बारिश नहीं हो रही है तो वे पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़ करके पहाड़ की चट्टानों को गिराते हैं, लुढ़काते हैं और एक साथ बहुत सारी चट्टानों को लोग मिलकर के गिराते हैं, तो उसकी जो आवाज़ है वह बादलों की गड़गड़ाहट के साथ हमें मिलती हुई आती है। तो उनका मानना है कि जैसे इसकी आवाज़ से गड़गड़ाहट उत्पन्न हो रही है और बादलों की गड़गड़ाहट से बारिश होती है तो इस आधार पर बारिश होगी, तो अनुकरणात्मक जादू जो है वहाँ पर देखा जाता है। दूसरा है संसार्गिक जादू, ये संपर्क के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात जो वस्तु एक बार किसी के संपर्क में आ जाती है वह हमेशा उसी के संपर्क में रहती है। इसलिए कई आदिवासी या जनजातीय समाजों में मृतक के साथ ही उसकी समस्त वस्तुओं को भी जला दिया जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि एक बार जो चीज़ उस व्यक्ति के संपर्क में रही है वह हमेशा उसके साथ में जुड़ी हुई रहती है। तो व्यक्ति के नाखून हैं, बाल हैं या कोई अन्य दूसरी चीज़ है, अगर उसको कष्ट पहुंचाया जाए, उनको तोड़ मरोड़ा जाए, तो ऐसा माना जाता है कि उस व्यक्ति को भी वह दर्द महसूस
होता है उस व्यक्ति को भी आप कहीं ना कहीं पर वहाँ पे नुकसान पहुँचा रहे हैं, क्योंकि वह वस्तु उसके संपर्क में अब तक रही थी। तो इसलिए बहुत सारी जनजातियों में प्रथा है कि उसके संपर्क में आई समस्त वस्तुएं जो हैं वह उसी के साथ में जला दी जाती हैं, या जो कब्र थी उसके अंतर्गत उसके रख दी जाती हैं, ताकि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सके। अब देखें धर्म और जादू में समानता क्या है, क्योंकि हमने कहा था कि दोनों ही व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन है, तो इनमें दोनों में समानता क्या है। तो सबसे पहली बात कहें कि चाहे धर्म हो चाहे जादू हो, दोनों ही अति मानवीय अलौकिक शक्ति में विश्वास रखते हैं। दोनों का ही जन्म जो है वह भावनात्मक आवश्यकता के कारण, वह भावनात्मक इसलिए क्योंकि व्यक्ति जो परेशानियां थी उन परेशानियों से बचना चाहता था, इसलिए हम कह रहे हैं कि उसकी भावनात्मक आवश्यकता के कारण सुरक्षा चाहता था, तो इस कारण से उसका जन्म वहाँ पर हुआ है। दोनों में ही परंपरागत विधियों का अनुसरण करना आवश्यक है। जो परंपरागत व्यवहार चला रहा है उन्हीं परंपरागत विधियों के माध्यम से आप उन क्रियाओं को कर सकते हैं। दोनों ही मानव कल्याण की उपज के साथ में है। जो प्रारंभ में प्रादुर्भाव हुआ जादू का वह भी स्वयं के सुरक्षा के लिए हुआ, लेकिन धीरे धीरे वह दूसरों को नुकसान पहुँचाने, तो मानव कल्याण की जो भावना है वह दोनों के साथ में प्रारंभिक अवस्था में जुड़ी हुई रही। दोनों में ही चाहे वह धर्म हो चाहे जादू हो, दोनों में ही क्रिया करने वाले व्यक्ति का समाज के अंतर्गत एक विशिष्ट स्थान है। अगर धर्म की हम बात करें तो पुजारी जो है उसकी समाज में एक विशिष्ट स्थिति प्राप्त है, और जादू करने वाला जो जादूकर्ता व्यक्ति है उसको समाज में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। सामान्यतः हम जिसको ओझा या भूपा कह करके संबोधित करते हैं वह उस तरह के व्यक्ति हैं, तो उनकी समाज में एक अलग विशिष्ट स्थिति देखी जा सकती है। दोनों ही परंपरागत ज्ञान पर आधारित क्रिया करने वाला व्यक्ति है। जो क्रियाएं की जा रही है, जो व्यक्ति क्रिया कर रहा है उसको संपूर्ण परंपरागत विधियों का ज्ञान है, परंपराओं का ज्ञान है, और उसी परंपरागत ज्ञान के आधार पर वह इन कार्यों को करता है। इनका जो जीवन है वह आम व्यक्ति से भिन्न जीवन जो है वह व्यतीत होता है। न जादू में तर्क है, न धर्म में तर्क है। हम ये इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि ये परंपरागत रूप से समाज में चले आ रहे हैं, और जब हमें अपनी समस्याओं का कहीं हल नहीं मिलता तो फिर हम जादू की तरफ भी जाते हैं और हम धर्म के अनुयायी भी बन जाते हैं। दोनों का ही प्रयोग व्यक्ति जब करता है, जब अपनी मानवीय दक्षता और कुशलता से उसका कार्य संभव नहीं होता है, तो व्यक्ति धर्म के साथ में जुड़ता है। नेक्स्ट देखें जो अंतिम इसका है चरण, वो है धर्म और जादू में असमानता। अब तक हम समानता की बात कर रहे थे, अब देखें कि धर्म और जादू असमान भी है। तो क्या असमानता है धर्म और जादू में? तो पहला देखें, धर्म अतिमानवीय अलौकिक शक्ति के नतमस्तक होकर के पूजा अर्चना की जाती थी, जबकि जादू में हम क्या कर रहे हैं, उस अतिमानवीय अलौकिक शक्ति को अपने वश में करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसे आदेश दे रहे हैं। धर्म के अंतर्गत कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है। व्यक्ति रोज पूजा अर्चना करता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा उसका कोई उद्देश्य वहाँ पर जुड़ा हुआ हो, लेकिन जब जादुई क्रियाएं की जा रही है, जादू किया जा रहा है, तो उसके अंतर्गत कोई ना कोई विशिष्ट उद्देश्य अवश्य रूप से जुड़ा होगा। धर्म पीढ़ी दर पीढ़ी व्यक्ति को हस्तांतरित होता रहता है, परंतु जादू पीढ़ी दर पीढ़ी व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं होता। यह उसे सिद्ध प्राप्त करना पड़ता है, उसे सीखना पड़ता है और करना। धर्म अरहस्यमय है, जबकि जादू बहुत सारी रहस्यमयी गतिविधियों के साथ में जुड़ा हुआ है।
धर्म के अंतर्गत सामान्यतः पवित्र वस्तुओं का ही प्रयोग होता है, जबकि जादू के अंतर्गत पवित्र और अपवित्र वस्तुओं का प्रयोग हम देख सकते हैं। धूप पत्ती अगरबत्ती जो है उसका प्रयोग धर्म के अंतर्गत जादू में भी है, लेकिन जादू में साथ में खोपड़ी भी है, हड्डियाँ भी है, राख भी है, शमशान की राख भी है, तो बहुत सारी अलग दूसरी तरह की चीज़ें जो है वह जादुई क्रियाओं के साथ में जुड़ी हुई देखी जा सकती है। धर्म के अंतर्गत हम अपने जो उद्देश्य है जिसके लिए पूजा अर्चना की गई है, अगर किसी उद्देश्य की, तो हम उसकी सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन कई बार यह प्रार्थना असफल भी हो जाती है। लेकिन जादू में सामान्यतः सफलता प्राप्त होती है, असफल होने की स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है। तो यह जनजातीय समाज के अंतर्गत हम देखें तो जादू की व्यवस्था जो है उनकी, उसके संदर्भ में हमने बातचीत की। नेक्स्ट में हम देखेंगे धर्म किस प्रकार से देखा जा सकता है।